हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय यमी लाइफ। सो आज जो है हम बनाने वाले हैं मैगी की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है। आई नो सबको आती होगी, बट यू नो अलग अलग तरीका होता है किस तरीके से, अगर आप कहीं बाहर हो, ऑफिस में हो और आपका प्लान बन रहा हो, तो जुगाड़ करके किस तरीके से मैगी बना सकते हो आप ऑफिस में। तो हमारा है ऑफिस में, जहाँ पे मेरा है एक्चुअली, वहाँ पे किचन फैसिलिटी है। तो हमारे पास अनियंते और कैप्सिकम और प्याज हम ले आए थे, हमने अच्छे से चॉप कर लिया, रिफाइन में मिला नहीं, तो हम बना रहे हैं घी में। इंडक्शन है हमारे पास, तो बिकॉज इंडक्शन में ना अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बना रहे हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है बनाना, तो हमने कुछ जुगाड़ करके बनाया है, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनाया है। तो घी हमने डाल लिया है, घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो मैंने जो है उसमें डाल दिया हींग, लगभग आधे चम्मच के करीब जो है हींग डाल दिया, थोड़ा सा उसका टेस्ट बढ़ जाता है उस लिए। और फिर हमने डाल दिया यहाँ पे प्याज। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैंने कैमरा पकड़ रखा था और दीदी जो है वो कर रही थी, तो मैंने कहा यार दीदी आप बहुत थोड़ा धीरे धीरे करो, तो मैं आ गई प्लेटफॉर्म इन द सेंस की बनाने के उसमें, तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें भी मैं ज़्यादा पकाती नहीं हूँ वैसे तो मैगी में, थोड़ा सा रोस्ट करा मैंने और प्याज को डाला, फिर कैप्सिकम को डाला, और उसको जो है थोड़ी देर जो है हम पकने देंगे। तब तक जो है बाकी के मसाले, तो हम बना रहे हैं अभी इस टाइम पे 4 पैकेट मैगी के बना रहे हैं, तो मसालों को जो है मैंने एक कटोरे में जो है निकाल के रख लिया पहले से ही। कैप्सिकम की बात करूँ तो मैंने 2 कैप्सिकम, 1 बड़ा अनियन और ऑलमोस्ट 4 के आसपास टमाटर लिए हैं, वो हमने काट के जो है वो डाली है, वो आपके ऊपर है, थोड़ा सा देर तक पकाइए, तो मतलब जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हो। तो मतलब हमने यहाँ पर पका लिया इसको, और फिर अब जो है हम डाल देंगे टमाटर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ताकि आप देखते देखते बोर ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी जो है मैंने इसमें ये भी डाल दिए चीज़ें अच्छे से, ये थोड़ा सा पक गया। तो अब मैंने डाल दिया यहाँ पे मैगी मसाला। मिर्च के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था क्योंकि कोई नहीं लेके आया था, तो हमारे पास चिली फ्लेक्स पड़े हुए थे, पिज्ज़ा जैसे आपने कभी मंगाया हो चिली फ्लेक्स पड़े हों, ऑरिगैनो पड़ा हुआ था, तो वो जो है हमने डाल दिए इसमें कि ठीक है जो भी है डाल देते हैं, जो टेस्ट आएगा देखा जाएगा, तो ऑब्वियसली अच्छा आएगा, खैर ऑरिगैनो वगैरह तो खैर टेस्ट पे अच्छे होते हैं, तो वो हमने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। और अब मैं डाली थोड़ा सा नमक, बिकॉज मसालों में होता है नमक, पहले से इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट थोड़ा सा जो है बिकॉज आप 4 पैकेट बना रहे हो, ज़्यादा जब बना रहे हो थोड़े से मसाला, थोड़ा सा नमक जो है वो आपको डालना चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने नमक डाला लगभग आधा चम्मच के आसपास। और इंडक्शन में हम बना रहे थे तो मैगी का जो था पकने में ना बड़ा टाइम लगता, तो मैंने कहा हमारे पास कैसरोल था जिसमें जो रोटी वगैरह होती है, वो मैंने जो है अराउंड 3 से 5 मिनट के लिए जो है मैंने ओवन में ही डाल दिया था, तो वो ऑलमोस्ट 60% जो है हमारा 60-70% पक गया था, जो मैगी था वो कुक हो गया था अच्छे से। तो हमें इंडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा देर तक आप इंडक्शन में वो पकाते हो ना तो बहुत अजीब सा ही उसका टेक्सचर हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही जो है ओवन में कुक कर लिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर हो गया था, बिकॉज 70% तो पक ही चुका था, 30% हमें पकाना था, उसको पकाने में बहुत ज़्यादा देर हमें लगे नहीं, मात्र मेरे ख्याल से ये 3 से 4 मिनट के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी उसकी ठीक हो गई थी, अच्छे से फॉर्म में आ गया था, थोड़ा स्टिकी स्टिकी, थोड़ा जूसी जूसी, यू नो यम्मी सा लग रहा था बहुत। तो ये देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर लग रहा है इसका। तो हमारी जो मैगी है तैयार हो गई थी, फिर सर्दी का टाइम है यार, तो मैगी के साथ मैं सोचा चलो चाय भी हो जाए, अदरक वाली चाय मुझे पसंद है, वैसे जल्दी मैं पीती नहीं हूँ, बट मैंने सर्दी थी, गरम गरम मैगी हमने फिर सर्व करी, बन गई। तो और हमने जो है चाय बनवा ली थी, अदरक वाली जो चाय जो होती है, और ये हमारा जो है बनके तैयार है मैगी विद गर्मा गर्म चाय। और बस हमारा जो है यही लंच का मील था आज का, और हमने बहुत एंजॉय किया, होप आपने भी एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।